हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को समझेंगे। एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संपूर्ण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां देखेंगे चित्र में कि एक कोण हमको यहां समकोण दिख रहा है, दो कोण जो है न्यून कोण है। तो यह कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे भी है 90 डिग्री होगा। चित्र को ध्यान से देखेंगे कि एक कोण 90 डिग्री है, कितना हो ये चेंज करने पर, ये जो दोनों कोण हैं ये चेंज तो हो रहे हैं लेकिन इनका सम हमेशा 90 डिग्री रहेगा। इसको बदलने पर ये 90 डिग्री रह रहा है लेकिन इन ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं और इनका सम हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो यहां पर ये दिया है कि दो कोणों का अनुपात 7:11 है, तो इस 7:11 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम जो है 90 डिग्री होगा। दोनों को ऐड करेंगे 18x 90 डिग्री हो गया। अब हमको x चाहिए तो x के लिए इसे 18 को हमको फिनिश करना होगा, तो हम लोग 18 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x और 90 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो x इज इक्वल टू 5। चूंकि हमारा न्यून कोण 7x और 11x था तो x इज इक्वल टू 5 जब हम रखेंगे तो 7 × x 35 डिग्री, 11 × x 55 डिग्री। तो हमारे दोनों न्यून कोण हो जाएंगे 35 डिग्री और 55 डिग्री। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को जानते हैं, दो कोटपूर्व कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग एक कोटिपूरक कोण को मान लिया x डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के कोटिपूरक कहे जाते हैं। तो इसमें चित्र में देख रहे हैं हम लोग, जहाँ हम लोग इस एनिमेशन देंगे तो ये देखिए इनका कोण का मान बदल रहा है लेकिन इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री रह रहा है। तो ऐसे दो कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहे जाते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें एक कोण हम x डिग्री मान लिए हैं, तो दूसरा कोण कितना होगा? तो 90 − x मतलब, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो यदि x है तो दूसरा x + 20 होगा या x − 20 होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा? तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो x + x + 20 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। हम इसमें से प्लस वाले को मान लिए हैं, हम दोनों को ऐड, x + x 2x हो गया, 2x + 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, x = 2x = 70 डिग्री, और x हमको चाहिए तो 2 में इधर डिवाइड कर दिए, 2 से इधर डिवाइड कर दिए, तो x = 35 डिग्री। तो दूसरा एंगल जो है इससे 20 डिग्री ज़्यादा था, तो एक 35 डिग्री और दूसरा 55 डिग्री। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? तो संपूरक कोण पर क्वेश्चन है तो पहले हमको जानना होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग एक कोण को मान लेंगे x डिग्री, दूसरा कितना होगा उसको हम लोग जानेंगे इस चित्र के माध्यम से। इसमें देख रहे हैं हम लोग दो कोण है तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री रह रहा है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो एक दूसरे के समपूरक कहे जाते हैं। दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो इसमें एक कोण यदि x है तो दूसरा जो है x + 40 या x − 40 होगा। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो x + x − 40 = 180 डिग्री, 2x − 40 = 180, 2x = −40 को हम लोग इधर कर देंगे तो 180 + 40, 2x = 220। x हमको चाहिए, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, x = 110 डिग्री। तो दूसरा कोण हो जाएगा 110 − 40, 70 डिग्री। तो दोनों कोण हो जाएंगे 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।